पक्ष हिंदू पंचांग के अनुसार एक विशेष अवधि होती है जो आमतौर पर श्राद्ध पक्ष के दौरान आती है। ये अवधि 15 दिनों की होती है और हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद महीने की पूर्णिमा के दिन से ही शुरू होती है और आश्व यज्ञ महीने की अमावस्या तक चलती है। इस दौरान परिवार के लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष पूजा और श्राद्ध कर्म करते हैं। इसे विशेष रूप से अपने पितरों को श्रद्धांजलि देने का समय माना जाता है। इस दौरान दान और धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं ताकि पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले और परिवार में समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। ये मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्मा को विशेष प्रकार की पूजा और दान से संतोष और शांति मिलती है जो परिवार के लिए शुभ और लाभकारी होती है। अब ऐसे में इस दिन अगर आपको कौवे नहीं मिलते तो किन्हें खिलाने से लाभ मिल सकता है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। गौ माता को पितृपक्ष में रोटी खिलाने से व्यक्ति को ग्रह दोष के साथ साथ पितृदोष से भी छुटकारा मिल सकता है। इस दिन ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति गौ माता को खाना खिलाते उनके मान सम्मान में वृद्धि होती है। पितृपक्ष के दौरान चींटियों को भोजन कराना सौभाग्यशाली माना जाता है। चींटियों को आटा खिलाएं, इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराना उत्तम फलदायी माना जाता है। इस दिन कुत्ते को भोजन कराने से व्यक्ति को शांति मिलती है और जातक को आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। बता दें, कुत्ते को यमराज और भैरव बाबा का वाहन माना जाता है। उन्हें पितृपक्ष में भोजन कराने से सभी दोषों से छुटकारा मिल जाता है।